हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया का नाम भी उन लोगों में शामिल हो गया है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी फिलिस्तीन को एक आजाद राष्ट्र देखने के संघर्ष में लगा दी। तेहरान में एक एयर स्ट्राइक में इस्माइल हानिया की हत्या कर दी गई है। हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान की शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए तेहरान गए हुए थे। इस्माइल हानिया का मारा जाना हमास के लिए बड़ा नुकसान है क्योंकि गाजा जंग पर जो सीज फायर टॉक्स हो रही थी वो हमास पॉलिटिकल ब्यूरो के साथ ही की जा रही थी और इसकी कमान हानिया संभाल रहे थे। इसके साथ साथ वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमास का चेहरा थे। हाल के सालों में हानिया कतर की राजधानी दोहा में रह रहे थे। खैर, ये कोई पहला मौका नहीं है जब किसी फिलिस्तीनी नेता की इस तरह हत्या हुई हो। वैसे तो इसराइल ने शायद ही कभी हत्याओं की जिम्मेदारी ली है, लेकिन वह आमतौर पर अपनी भूमिका से इनकार भी नहीं करता है। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर हानिया के अलावा ऐसे और कौन से फिलिस्तीनी नेता रहे हैं जिनकी कुछ इसी तरह के हमलों में जान चली गई और उसके पीछे इसराइल का हाथ होने से साफ तौर पर इनकार नहीं किया जा सकता। इन फिलिस्तीनी नेताओं की हो चुकी है हत्या। साहले अल अरूरी की हत्या जनवरी 2024 में हुई। लेबनान के बैरूत में ड्रोन हमले में उनकी हत्या की गई। महमूद अल मबहू की हत्या जनवरी 2010 में हुई। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में एक होटल में उनकी हत्या की गई। महमूद अल मज़ौब, मई 2006 में इनकी हत्या हुई। बताया जाता है कि लेबनान के सिडोन में कार में बम विस्फोट से उनकी हत्या हुई। अदनान अल गुल, अक्टूबर 2004 में अदनान अल की हत्या की गई। गाजा पट्टी के गाजा सिटी में मिसाइलें दाग कर उनको मौत के घाट उतार दिया गया। अब्देल अजीज अल रंतीसी की हत्या अप्रैल 2004 में गाजा पट्टी के गाजा सिटी में की गई। इजरायली हेलीकॉप्टर मिसाइल हमले में उनकी मौत हो गई। शेख अहमद यासीन, मार्च 2004 में उनकी हत्या की गई। गाजा पट्टी के गाजा सिटी में इजरायली हेलीकॉप्टर मिसाइल हमले में मौत हुई। सलहा शहादेह, जुलाई 2002 में सलहा की मौत हुई। गाजा पट्टी के गाजा सिटी में ही इजरायली वायुसेना ने उनके घर पर बमबारी की थी जिसमें उनकी जान चली गई। यहा अय्याश, जनवरी 1996 में भी उनकी हत्या कर दी गई। गाजा पट्टी के बेत लाहिया में इजरायली विस्फोट में उनकी मौत हुई। इमाद अकील, नवंबर 1993 में गाजा पट्टी के शुजाया में इजरायली विशेष बलों ने उन्हें गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। अबू जेहान, अप्रैल 1988 में ट्यूनिशिया के ट्यूनिस में कमांडो हमले में इजरायली एजेंट्स ने उन्हें गोली मार दी। इनके अलावा भी कुछ ऐसे नेता रहे जिनकी इसराइल ने अलग अलग विदेशी धरतियों पर हत्या की है। फिलहाल हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो चीफ इस्माइल हानिया की मौत ने पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर दी है। हमास नेता की मौत के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में जंग बढ़ने की संभावना बढ़ गई है।